independent baker, a mother, who came up with an idea 4 years back in the year of 2017. That's when Baker Nest was opened. A simple si cafe, but extraordinary food. जहाँ पे आपको पॉकेट पिंच भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। The owner Sanjukta Banik and her son makes you feel very warm and welcoming while visiting the cafe. So let's go and check out the place. पीछे बैठे हुए हैं अर्जुन। आप लोगों के व्लॉग के चक्कर में क्या क्या नहीं करना पड़ता। बारिश में भीग चुके हैं और आपको एक कैफे में लेके आए हैं। हम लोगों को इग्नोर कीजिए, प्लीज डोंट जज अस। और मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ एक बजट फ्रेंडली कैफे। काफ़ी यूनिक सी है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में। तो ये कैफ़े का लोकेशन इसी ब्लॉक है, सॉल्ट लेक सेक्टर 1। तो आप यहाँ पे गूगल से आ सकते हो, गूगल लोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बने रहिए, मैं आपको ये कैफ़े का टूर अंदर दिखा। जैसा मैंने कहा, ये ओनर के घर के नीचे ही बना है। काफ़ी होमली सा सेटअप है, वेरी सिंपल बट वेरी क्यूट। लाइक यू कैन सी इन द वॉल्स, लोग अपने अपने रिव्यूज यहाँ पे नोट पे लिख के गए हैं। काफी अच्छे मैसेजेस है यहाँ पे। यहाँ आपको फ्रेशली बेक्ड गुड्स लाइक ब्रेड्स, कुकीज, केक्स, पेस्ट्रीज सब मिल जाएगी। लोगों ने यहाँ अंदर बैठने का प्रेफर किया। ये कैफ़े दो रूम में बटी हुई है और ये अंदर वाला रूम है। और आप देख पा रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट इज क्वाइट कोजी। यहाँ पे होममेड बेकरी है, तो ओनर खुद बेक करती हैं। एंड ये यहाँ के स्टाफ आपको काफ़ी होमली फील करवाएंगे। तो आप यहाँ पे जब भी आइएगा, खाना आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ट्रस्ट मी। मैं आपको दिखाऊंगी इनके कुछ ऑप्शंस, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। सब ट्राई करना पॉसिबल नहीं है, पर मैं जो दिखाऊंगी इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है हनी लेमन आइस टी। काफ़ी गर्मी है तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा ऑप्शन, तो ट्राई करके मैं बताती हूँ। मैं उतना मीठा नहीं खाती हूँ, पर फिर भी मुझे ये अच्छा लगा। मैं देखती हूँ अर्जुन को कैसा लगता है, मैं पूछती हूँ थोड़ा। जिंजर का फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट है यहाँ का। आई थिंक ये वो वाला जिंजर वाला फ्लेवर ही यहाँ पे लग रहा है। अच्छा, नहीं तो थोड़ा डिफरेंट है ये वाला थिंग। ट्राई कर सकते हैं हम लोग? हाँ कर सकते हैं, ये वाला क्योंकि आप स्वीट टूथ हो तो हाँ, इसलिए ये थोड़ा अच्छा ही लगेगा। जिनको मीठा खाने में अच्छा लगता है ये लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये रहा मेन्यू कार्ड। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ड्रिंक्स के, मॉकटेल्स के, मिल्क शेक्स भी हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो प्राइस काफ़ी रीजनेबल है, कॉलेज गोअर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ऑल डे ब्रेकफास्ट, सैंडविच, पास्ता, स्पेगेटीज, सलाड्स, सूप्स,
नॉन वेज सूप भी है, वेज स्टार्टर्स, चिकन, फिश एंड सी फूड, मेन कोर्स वेज नॉन वेज है, एंड फिश के लिए भी मेन कोर्स है। यहाँ पे आपको सी फूड मेन कोर्स भी मिल जाएगी। एंड दिस आर द स्पेशल शेफ स्पेशल, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। एंड दिस आर द डेजर्ट्स, सो अगर आप आओगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, एंड हो सके तो ट्राई कीजिएगा सभी। ये बेक चिकन है, जैसे चीज लेयर, इसको बेक किया गया, आप देख पा रहे हो। इस थिंग इज सो चीज़ी, मैं हेल्दी नहीं बोलूँगी बट बहुत टेस्टी होगा। एंड आपको यहाँ पे पास्ता ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप चाहे तो यहाँ पे ब्रेड रोल्स भी ले सकते हो ये ऑप्शंस में। ये है फिश कैंटिलेनी, जैसे आप देख रहे हो ऊपर एक लेयर है जिसके नीचे आपको ग्रिल्ड फिश और ऑन द बेड ऑफ राइस मिलेगी। जैसे आप देख पा रहे हो ऊपर बेक किया गया है, नीचे फिश है, ये रहा राइस। और हमने ऑर्डर किया था लास्ट में शेफ स्पेशल प्लेटर, यहाँ पे प्रॉन, फिश एंड चिकन, हर एक चीज का मिक्स्ड आपको प्लेटर में मिल जाएगा। और यहाँ का स्पेशलिटी बेक्ड अलास्का, होममेड आइसक्रीम के नीचे आपको फ्रेश फ्रूट्स मिल जाएगी। काफी कुछ खाना खा लिए थे एंड अब टाइम है घर जाने का। हमारा एक्सपीरियंस वाज वेरी सेटिस्फैक्टरी। सो ये था हमारा बेकर्स नेस्ट का एक्सपीरियंस। पॉकेट पिंच वाज वेरी रीजनेबल, 1300 रुपये में मेरा हो गया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।